तो चलो इसको ना सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं, फिर उसके बाद प्लानिंग करते हैं कैसे बना। ये जो भी आप कभी 3D मॉडल बना रहे हैं तो उसमें रिफरेंस 3D नहीं लेना चाहिए। अब चालू करने जा रहे हैं, देखो अभी मैंने एक इमेज निकाल के रखा हुआ है ये। तो जब भी हम बात कर रहे थे, जब भी आप कुछ मॉडल करो तो मॉडल का जो रेफरेंस होना चाहिए ना वो 2D होना चाहिए। अगर आप मॉडलिंग करते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको इमेज देख के उसको ऑब्जर्व करना आना चाहिए कि कितना डेप्थ कहाँ पे है, वो शेप कैसा है और किस तरीके से उसको बनाना है। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये इमेज है, अगर ये इमेज को 3D में कन्वर्ट करना है, 3D बनाना है, हो सकता है 3D भी हो, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं, वैसे लग रहा डिजिटल टाइप का कुछ लग रहा, पर 3D भी हो सकता है। ये चाइनीज़ वाला कुछ काम है, चाइना वालों का कुछ है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि हमको ये बेस चाहिए। तो बेस बनाने के लिए ना अपने पास एक टूल है, स्कल्प ज्योमेट्री टूल। सबसे पहले तो ये इमेज कहाँ से इंपोर्ट होगा, यहाँ से आप इमेज इंपोर्ट कर सकते हैं। प्रस्पेक्टिव मैंने इमेज को इंपोर्ट किया हुआ है। अभी आप इसको जूम इन जूम आउट कर रहे हैं ना, तो ये ग्रिड क्या हो रहा, उसके अंदर जा रहा, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जगह नहीं मिलेगी हमको तो काम कहाँ करेंगे। तो सबसे पहले इमेज को सेलेक्ट करो, एट्रीब्यूट एडिटर में जाओ आप, यहाँ पे ना नीचे आओगे, यहाँ पे डेप्थ है, ऑफसेट है, आप इधर उधर कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। ये डेप्थ में ना 00+ कर देते हैं। अभी एक बार फिर से चेक करेंगे कि वो पीछे गया कि नहीं। अभी देखो आपका ग्रिड अंदर नहीं जाएगा, बहुत जगह है अभी आपके पास। तो इस ग्रिड को ना एक हल्का सा बेसिक लेवल पे ना सेट करना है ऐसा, वो अभी हम बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं ये बेस रेडी कर रहा हूँ। तो बेस है कैसा, ग्रिड को अभी ऑफ करके रखते हैं। यहाँ पे ऊपर से आते हुए ऐसा स्लोप जैसा, ऐसा ढाल जैसा है ना, तो अगर ऐसा कुछ देखें तो इस जगह पे कुछ ना कुछ थोड़ा सरफेस लेवल में होना चाहिए, ताकि ये इस जगह पे पूरा फाउंडेशन खड़ा हो सके। और इधर थोड़ा सा स्लोप है जिसमें ये वॉक वगैरह करने के लिए या फिर उतरने उतरने के लिए कुछ ऐसा बनाया हुआ है, यहाँ से चढ़ने के लिए है, कुछ इस तरीके का कुछ है। अब अगर हम इसकी बात करें, जो मेरा जियो है, मतलब जो ऑब्जेक्ट मेन है स्ट्रक्चर, तो इसमें ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, कि ये बॉक्स है, ठीक। रूफ में देखेंगे तो रूफ सेम है पर ये इंटरसेक, ठीक, और दो पार्ट में ये डिवाइड है और ये सिंगल पार्ट है। पीछे की तरफ मेरे को दिख नहीं रहा, पर मेरे को ऐसा लगता है कि ये पीछे भी बॉक्स ही होगा, ठीक, और ये इससे अटैच है, तो मतलब पीछे कुछ एल शेप में इस तरीके से होना चाहिए, है ना, ऐसा कुछ। और इधर की तरफ सेम, मतलब आप टोटल अगर देखोगे तो ये एल शेप में ही है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ, यहाँ पे डिवीजन्स बढ़ा रहा हूँ मैं, एक एक डिवीजन। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ अलग भी हो, आप उस हिसाब से बना सकते हैं। तो टॉप से अगर देखेंगे तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक। तो अभी आते हैं फिर से, अब मैं प्लेन लेने जा रहा हूँ, एक प्लेन लेंगे और इस प्लेन को मैं थोड़ा सा डेंस करने वाला हूँ ऐसा। बाद में इसको ट्रेस करेंगे, और नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना ज़्यादा पॉली नहीं लगने वाला। इधर थोड़ा सा आर प्रेस करके मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। कितना बड़ा करना है इसके हिसाब से बड़ा कर लो आप, ऐसा कुछ, ताकि ये एरिया कवर हो जाए। आप इस तरीके से भी रख सकते हो, इसको भी हम उठा लेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देता हूँ मैं ये, ठीक। अब क्या करना है, यहाँ पे जब आप मॉडलिंग वाले टूल में, सबसे पहले हमने यहाँ देखा था ना, यहाँ पे देखो सबसे लास्ट में ना एक टूल है, इसको स्कल्प ज्योमेट्री टूल कहते हैं। इसको जैसे ही क्लिक करोगे और इसको बी होल्ड करके ना इसका ब्रश छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब ये करता क्या है, यहाँ पे आपको अप चाहिए, तो देखो इस पर क्लिक करोगे तो डाउन कर रहा है, मतलब उस सरफेस को क्या कर रहा है, नीचे की तरफ पुश कर रहा है। इसका सेटिंग सब आपको यहाँ मिलेगा, जैसे फोटोशॉप में होता है ना, ब्रश का स्ट्रेंथ वगैरह, किस तरीके का ब्रश चाहिए, यहाँ पे है। तो अभी उधर अपने को जाना नहीं है, क्योंकि जब अपन ब्लेंड से बनाएंगे और आगे पहुँचेंगे तो ये इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और ये जब आप स्किन पेंट करोगे तब भी आने वाला है, ठीक।
तो अभी आप ब्रश बस देख लो कैसे है। अगर उधर ज़्यादा अपने दिमाग में पजल नहीं पालना है तो डिफ़ॉल्ट क्या कर रहा है, ये नीचे जा रहा, ठीक। अगर मैं कंट्रोल होल्ड करूँगा तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा। शिफ्ट होल्ड करूँगा तो स्मूथ होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले कंट्रोल होल्ड करके इसको ऊपर की तरफ लेके आ जाता हूँ इस तरीके से, और इधर भी ऊपर रहेगा। तो इसका हम ज्योमेट्री बस यूज़ करेंगे। एक तो ये है, इससे आप कर सकते हो, कोई फोर प्रेस करके रखता हूँ मैं ताकि पता चले नीचे। यहाँ से ये सबसे ज़्यादा टॉप वाला है, ये इधर क्या है, स्लोप है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट अगर करेंगे तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ लेके जाएगा मैस को, ठीक। तो ये एक रफ रफ मैं आइडिया लगा लिया कि अच्छा यहाँ पे स्लोप रहेगा, यहाँ पे ये। अभी इसको हटा दो, बी डब्ल्यू प्रेस कर रहा हूँ मैं। अब मैं सॉफ्ट सिलेक्शन यूज़ करने जा रहा हूँ। सॉफ्ट सिलेक्शन क्या होता है, किसी भी एरिया का अगर पॉइंट हम पकड़ते हैं, वर्टेक्स पकड़ेंगे, तो वो एक एरिया बस लेके जाता है, उसके बगल का जो भी पॉइंट या वर्टेक्स है उसको वो डिस्टर्ब नहीं करता। अगर आप सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन करेंगे, ये होता है आपके मूव टूल के अंदर, यहाँ पे सॉफ्ट सिलेक्शन का ऑप्शन होता है, इसका शॉर्टकट है बी। तो यहाँ जैसे ही इसको ऑन करोगे आप, तो देखो यहाँ पे ना ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वाला एरिया है, उसके बाद ये थोड़ा सा कम, और यहाँ पे जीरो। आप यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट्स हैं हमारे पास, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ से आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो सारी चीज़ों को। तो अभी आते हैं पर्सपेक्टिव में, फिर से फाइव प्रेस करेंगे। अब देखो, अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे चढ़ा हुआ है, एक हल्का सा बेसिक मैंने बनाया है। अब मैं बी होल्ड करके ड्रैग करता हूँ, ब्रश को बड़ा करता हूँ ऐसे, और इसको मैं एकदम ऊपर की तरफ ले आता हूँ, कुछ इस तरीके से। फिर से इधर भी कुछ थोड़ा सा ऊपर की तरफ होना चाहिए, यहाँ रख लिया हमने। ये जो एरिया है ये डाउन होने वाला है, मतलब नीचे की तरफ जाने वाला एरिया है। तो इसको भी पकड़ के हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसा रेंडम पकड़ लेते हैं और इसको नीचे की तरफ ले आओ ऐसे। तो हमारा ये एक बेस तैयार हो गया, आसपास ही हैं हम। यहाँ पे इतना रहने देता हूँ क्योंकि वो जो मेरा होम का जो एरिया है वो यहाँ पे कहीं पे बैठने वाला है। बस ये देखना है कि ये जो डेंट वेंट दिख रहा है इसको निकालना है हमको, और ये कंटिन्यूअस ऐसे जा रहा है इधर। ये कर सकते हो कि थोड़ा सा आप इसको ब्रश को छोटा करके, हाँ बी 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 होल्ड कर रहा है, बी होल्ड करके, बी होल्ड करना है, लेफ्ट क्लिक करना है। तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से फिक्स कर लेता हूँ। फिर से बी होल्ड करके थोड़ा सा इसको और नीचे ले आते हैं। अभी ये एक बेसिक लेवल पे मेरे पास आ गया, और थोड़ा थोड़ा अभी ये एरिया भी नीचे की तरफ जाएगा। बी होल्ड करो, थोड़ा सा ड्रैग करो, इस तरीके से हल्का हल्का सा। नहीं, ये है प्लेन है ना, इसमें काउंट बढ़ा हुआ है। अब फिर से जाते हैं स्कल्प ज्योमेट्री टूल पे। अब जब मैंने बताया ना कि डिफ़ॉल्ट क्या करता है, ये पुश करता है, और उसके बाद कंट्रोल होल्ड करेंगे तो पुल करेगा, ऊपर की तरफ लेके आएगा। शिफ्ट होल्ड करेंगे तो क्या करेगा, स्मूथ करेगा। तो इसको हम क्या कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा स्मूथ कर लेते हैं, ताकि जब इस पे हम ग्रास या बूस जब लगाएं तो एकदम प्रॉपर फील दे वो। तो ये हमने कुछ ऐसा बनाया भी, ये सरफेस सरफेस को मैं प्लेस करने का ट्राई कर रहा हूँ कि वहाँ पे एकदम प्रॉपर प्लेस हो जाए। थोड़ा बहुत अभी ये लग रहा है, तो ये ग्रास से भी आ जाएगा, इधर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसको थोड़ा सा और नीचे की तरफ जाना चाहिए ताकि खींच के भी कर सकते हैं। अभी जितना वहाँ पे है, ऐसा नहीं है कि जितना है उतना ही करें। ये अपना जो कैमरा हम सेट करेंगे, तो अभी तो ये डिफ़ॉल्ट इसका जो एरिया है, मतलब इस इमेज का कैमरा साइज़ क्या रखना है, ये हमको कब पता चलेगा, जब हम यहाँ पे जाएंगे और अपने इसकी प्रॉपर्टी को चेक करेंगे कि इसमें कितना साइज़ का है ये। तो आप यहाँ पे देखेंगे डिटेल के अंदर, तो ये 1280x1134 के आसपास है। तो आप ये साइज़ भी रख सकते हो, दूसरा क्या अपना कस्टम भी रख सकते हो। तो जैसे यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे आगे
ये सब रेंडरिंग में आएंगे तो ये पार्ट हम कवर करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि यहाँ कॉमन है। कॉमन में क्या करना रहता है, हमको साइज सेट करना रहता है। यहाँ पे इमेज साइज के अंदर आप जो साइज चाहिए आपको कस्टम भी ले सकते हो, जो वहाँ पे हमने देखा है, और आप खुद का भी ले सकते हैं। अब वहाँ पे हमने कितना देखा था, 1280 था ना, 1280, 1135। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि इसको जैसे ही आप यहाँ से ना, इसका रेजोल्यूशन गेट है ये, जैसे ही ऑन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये इस इमेज के एरिया है, इस इमेज के एरिया में आपको सेट करना थोड़ा सा। और मेरे को लगता है इमेज को इधर उधर करना पड़ेगा, इस कैमरे को ऐसे जूम कर सकते हो आप। तो ये एरिया है, आप इसको ऑन करके रखना चाहें या फिर अपना खुद का कस्टम जो भी बनाना चाहते हैं कर सकते हैं। अब सेकेंड स्टेप क्या है कि इसको मैंने इधर रखा एक प्रॉपर, ऐसे थोड़ा सा इसको और पुल करना पड़ेगा। तो इसको नहीं, अभी नहीं, अब जब लगाएंगे ना हम तब सेट करेंगे। इसको कवर कर लेते हैं, जगह कहीं पे एम्प्टी नहीं होना चाहिए। आप इसको और भी इधर उधर कर सकते हो। अब देखो इस ये ऐसा रखना है तो भी चलेगा, ठीक, कोई बड़ा हैवी वाला वो नहीं है। अगर आपको लगे कि नहीं इस तरीके का हमको जियो चाहिए और इसको कम पॉली में चाहिए, तो इसको ट्रेस करने के लिए कॉर्डर टूल करके है, वो भी मैं बताता हूँ, तो उससे भी आप उसको ट्रेस कर सकते हैं। अब ये जगह कैप्चर करना है हमको, मतलब इस पे रखना है, स्लैश होल्ड करके ना आप कैमरे को जूम इन जूम आउट करते हो, मतलब ये जूम नहीं, मतलब पूरे कैमरे के साथ पूरा सीन आगे या पीछे होगा। स्लैश होल्ड करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो पूरा देखो अभी कैमरा उसके अंदर नहीं जा रहा, आपका जितना भी सब कुछ है सब प्रॉपर साथ में, जैसा हम व्यूपोर्ट के साथ करते हैं, सेम मिडिल माउस से आप उसको पैन कर सकते हो और राइट क्लिक से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, थोड़ा सा और ये देखना है कि प्रॉपर सेट हो जाए। तो इसके लिए ना अब यहाँ व्यू ए पैनल में जाता हूँ, यहाँ पे लेआउट का एक ऑप्शन है। अभी दो लेआउट मेरे को चाहिए, एक तो मेरा जो अभी मैंने सेट किया है उसको लॉक कर देंगे, एक पे हम काम करेंगे। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, साइड बाय साइड टू जो है ना, ये टू पैनल साइड बाय साइड इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको बना देता हूँ पर्सपेक्टिव, जो हम ये देख रहे हैं, और एक यहाँ से फिर से एक न्यू कर लेते हैं, पर्सपेक्टिव वन आ जाएगा। इसमें कैमरा भी ले सकते हैं पर अभी उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जितना आप उधर जाएंगे ना तो फिर वो पजल वाला काम होने लगेगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ बगल में ही लॉक लगा हुआ है, तो कैमरे को सेलेक्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी ये कैमरा सेलेक्ट है आपका, यहाँ लॉक लगा दो, अभी आप इसको मूव नहीं कर पाएंगे, ये फिक्स हो गया। अब इधर आते हैं, ये एरिया थोड़ा सा जूम कर लें ऐसे, अभी ये इतना ऊपर जाना चाहिए, तो कौन सा एरिया है वो, यहाँ का एरिया है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, बी थोड़ा सा और लगता है इधर की तरफ आना पड़ेगा, इसको पकड़ के हम थोड़ा सा इधर, ये एकदम अपना सही हो गया है ना, हमने इस पे रख दिया। अब इसको पकड़ो एक लेयर में डाल के ना ऐसे वायर फ्रेम में रख लो ताकि वो अभी डिस्टर्ब ना करे आपको। अब सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट काम क्या करना है, अपने को ब्लॉकिंग करना है। तो एक तो अपने सरफेस का कर लिया हमने, दूसरा क्या है, अब यहाँ पे ये बॉक्स जो है, अभी ये भूल जाओ कि इमेज है, बॉक्स समझो इसको, कैमरा ये सेलेक्ट करते हैं, जो कैमरा पर्सपेक्टिव वन है ना, यहाँ सेलेक्ट करो कैमरा, एट्रीब्यूट एडिटर में जाओ, यहाँ पे फार क्लिप करके एक ऑप्शन आता है, ये फार क्लिप प्लेन, इसको ना इंक्रीज कर लो थोड़ा, इससे क्या होगा वो अपने सीन में दिखने लगेगा, जैसे जो कट रहा था ना, हाँ, तो उसके लिए है। अभी ये आपके सीन में प्रॉपर दिखेगा। तो मैं आ जाता हूँ इधर, तो सबसे पहले एक बॉक्स रखेंगे क्योंकि ये सब बॉक्स बॉक्स जैसे ही है, तो बॉक्स लेता हूँ मैं, एक यहाँ से बॉक्स लिया, इसका पाइवर्ड
डी होल्ड करके या डी और वी होल्ड करके आप इसको स्नैप कर लो यहाँ पे कहीं पे कॉर्नर पे इसके बॉक्स के। इससे क्या होगा कि जो स्केलिंग होगा वो इसी जगह से होगा, तो आपको बेस मैच नहीं करना पड़ेगा। अब ये थोड़ा सा पुश करेंगे इधर इधर, थोड़ा सा और पीछे की तरफ, थोड़ा सा इधर यहाँ पे कहीं, इधर लेयर पे आ जाओ। इसको आर प्रेस करके रखो ताकि पता चले, ऐसा ना हो कि बहुत अंदर चला जाए या फिर ऐसा कुछ रहेगा। थोड़ा बहुत अभी एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, पर कोशिश करते हैं मैक्स टू मैक्स कवर हो जाए वो एरिया। भी फेस मोड पे जाते हैं, बी सॉफ्ट सिलेक्शन था उसको हटा दिया मैंने, ये मेरा कॉर्नर हो गया। फोर, देखो एकदम कट टू कट मैच नहीं होगा क्योंकि वो इमेज है, वो जब हाँ डिस्टॉर्शन थोड़ा बहुत रहेगा, पर 70-80% कवर हो जाएगा वो। और ज़रूरी नहीं एकदम ऐसे ही बनाओ, आपके पास अगर कुछ और कॉन्सेप्ट लेके इसको है ना तो ऐसा बनाओ आपके दिमाग में, जैसे ये इसका मैं स्ट्रक्चर ले लिया, लुक एंड फील ले लिया, घर का कुछ मॉडिफाई भी कर सकते हो आप कि थोड़ा आपका खुद का पैटर्न हो जाए, ऐसा भी अगर आपको लगे तो ऐसा भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है। ये बैक साइड का कर लिया हमने, साइड का भी थोड़ा सा मेरे को लगता है कि बाहर निकालना चाहिए, ये हो गया। अब आते हैं इधर, तो ये लास्ट पॉइंट है, तो इसी को मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ, सॉरी ये है बैक का क्या, तो इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ मैं और पीछे लेके जाता हूँ। जैसा कि मैंने बताया एल शेप है इसका, हैंग हो गया लगता है, तो जितना ये एरिया है ना यहाँ पे भी देख रहा हूँ ना कितना है, तो इसको इससे रिलेट करना है अपने को कि जो मैं ये एरिया देख रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, थोड़ा सा और सही करना पड़ेगा। इसका वर्टेक्स पकड़ते हैं और इसको मैं पुश करके थोड़ा सा पीछे ले आता हूँ, तो इस लाइन पे आ गया अभी, और ये इस पे आ गया। तो ये जो फेस वाला एरिया है, ये एरिया और इसका ये एरिया आसपास ही है, तो मतलब सीधा सा है कि ये जो है इतना और इसको एक्सटेंड करना है हमको, ऐसा आसपास रखो। अब इसको फिर क्या करेंगे, हम एक्सट्रूड करेंगे, थोड़ा सा ऊपर की तरफ है ये, वो फिर एक्सट्रूड करके निकाल लेंगे। तो फिर से मैं एक्सट्रूड करता हूँ W, और इसको मैं लेके आता हूँ बाहर, जो बोल रहा था ना डिस्टॉर्शन यहाँ पे ज़्यादा है पर अपना ये शेप सही है। थोड़ा सा और इसको इधर रख लेते हैं, ये लास्ट एज तक रखते हैं, देखते हैं थोड़ा सा रोटेट वोटेट करके अगर आ जाए तो। इसको मैं मॉडिफाई में जाके सेंटर पाइवट कर लेता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा रोटेट करके ट्राई करता हूँ कि सेट हो जाए ऐसा कुछ, मगर उधर का डिस्टर्ब हो जाएगा। चलो पॉइंट्स को पकड़ते हैं और थोड़ा सा पीछे, ये एकदम सेंटर में ही रहेगा, या तो इसको बढ़ा लेते हैं, चलो हो गया, थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर देता हूँ मैं ताकि थोड़ा डिस्टेंस कवर हो जाए। अभी हम एकदम उस जगह पे अपने बॉक्स को प्लेस कर दिए। अब दूसरा स्टेप क्या है, अब ऊपर का भी अपने को कवर करना है, तो फिर से पर्सपेक्टिव वन में जाएंगे, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ये उसको कवर करने के चक्कर में ना, गलत है ये, नहीं चलेगा, इतना रखो कम से कम, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है क्योंकि बनने के बाद इसका कैमरा ज़रूरी नहीं है ना, हम इमेज बस तो रेंडर निकालेंगे नहीं, अब 3D है तो किसी भी व्यू से रेंडर निकल सकता है। अब अपना जो बेस है उसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं सबसे पहले, इसको पकड़ो ऐसे, बी प्रेस करो
और इसका एरिया थोड़ा सा छोटा कर लो ऐसे, और इसको पीछे की तरफ खींच लो। आप पीछे हो सकता है स्लोप हो, या फिर हो सकता है ऊपर की तरफ हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ अलग करना है, तो आप ऐसा भी है कि आप पकड़ के अपने हिसाब से ये पीछे का जो एरिया है ना, उसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। स्लोप कर लो, या फिर इधर दबाना इधर दबा लो इस तरीके से कि इधर भी ऐसा कुछ ढाल जैसा रहेगा, ऐसा कुछ। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा कि हमारा ये ऑब्जेक्ट, तो ये भी थोड़ा सा हमको मैनेज करना पड़ेगा। वैसे बेस में वो वुडन वुडन का कुछ लगा हुआ है। अब क्या करना है, इसको सेकेंड वाला स्टेप बनाना है। तो ये सीधे सीधे मैं इनको पूरे को एक्सट्रूड कर लेता हूँ यहाँ तक, अब फिर वहाँ से निकालेंगे। तो ये पूरा टॉप वाला एरिया पकड़ो, बी सॉफ्ट सिलेक्शन से बाहर आएंगे, एक्सट्रूड डब्लू ऊपर ले चलो। ऑब्जेक्ट मोड में जाना है, एक एज यहाँ पे लगाओ। कहाँ पे लगेगा, ये सही जगह पे है, कहाँ, ये वाला एरिया, क्योंकि ये एज, अभी ये एज निकालने वाला हूँ मैं। उसको निकालने से पहले हमको एक बीच में होल्ड चाहिए, ताकि यहाँ पे ये रुक जाए, क्योंकि हमने मैक्सिमम एरिया तो कवर कर लिया। तो ये सेंटर में ना एक ऐसा लगा दो एज। इसमें एक ऑप्शन है, आप एकदम कट टू कट सेंटर पे भी लगा सकते हो दो एज पकड़ के। जैसे मान लो ये है, तो ये साइड बाय साइड का एज पकड़ो, और इधर ना एज रिंग यूटिलिटी है लेफ्ट साइड सबसे बॉटम में, यहाँ पे जाओगे टू एज रिंग एंड स्प्लिट, तो वो प्रॉपर बीच में एकदम कट टू कट किसी भी ऑब्जेक्ट के लगा देगा। अगर आपको अगर ऐसा रहे तो आप इस तरीके से भी प्रॉपर कर सकते हैं। अब ये एज नहीं चाहिए, सबसे पहले तो यहाँ पे भी एज चाहिए, क्योंकि ये भी एरिया है ना, ये एरिया भी स्प्लिट होगा, तो इसको भी सेंटर से एक एज लगा देते हैं। ये W। अब दो ऑप्शन है, या तो मैं इसको हटा लूँ ऐसे करके एडिट करूँ इस तरीके से, या तो फिर सीधे सीधे ये एज ही हटा दो। दूसरा तरीका क्या है ना, कि इसको यहाँ से जो हमने एज लगाया ऊपर तक लिया, उसके अलावा मैं एक और कर सकता था कि इसी एज को ऐसे लगा के ये, और इनको खींच सकता था मैं इसे, है ना, ये भी ऑप्शन है। तो आप इधर भी कर सकते हो, इस तरीके का भी कुछ कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है। तो ऐसा ही कुछ, वो डिस्ट्रॉशन है थोड़ा सा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ ब्लैक दिख रहा है क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने खींचा ना, वो गलत है, यहाँ एज होना चाहिए। तो अगर यहाँ जब आप एज डाल दोगे, यहाँ से यहाँ डाल दो, तो वो निकल जाएगा इसे। अब इसका लूप सही है, देखो अभी इधर है, तो इस यहाँ पे भी कोई भी एज ना ऐसा खाली नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं, उसे जबरदस्ती का नहीं खींचना है। अच्छा कभी कभी ऐसा मतलब उसके हिसाब से वो गलत हो रहा है। अभी यहाँ पे देखो ये पीछे दिख रहा है ना, और ये क्या हो रहा, पीछे की तरफ भी थोड़ा है, मतलब पीछे तो नहीं है, जैसे यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करके इतना एरिया है, और उधर भी गया होगा स्वाभाविक है। तो यहाँ पे अगर गया है, तो मतलब यहाँ पे तो वो रूप दिखना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सेट करते हैं, ये एज मैं डिलीट कर रहा हूँ अभी, सॉरी, इसका पॉइंट भी डिलीट कर देते हैं। अभी इधर का छोड़ दो, इस तरीके का काम ना थोड़ा सा मतलब कुछ डिफरेंट टाइप का होता है। तो इसमें ऐसा एकदम फ्लो में आप काम नहीं कर सकते हो, बहुत प्लानिंग कर करके काम करना पड़ता है। हर स्टेप में आपको समझना पड़ता है क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। तो ये अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा, देखो जो हमारा पूरा बेस है यहाँ, तो मैंने यहाँ पे टच किया हुआ, और ये होना भी चाहिए टेक्निकली ऐसा ही होना चाहिए, पर यहाँ पे जाके ये क्या हो रहा, पीछे की तरफ जा रहा है, ये एरिया नहीं कवर हो रहा। तो अभी मैं
एग्जैक्ट मेरे को प्रोपोर्शन चाहिए, तो मैं अभी इसको थोड़ा साइड में रखता हूँ, इसको भी बंद करता हूँ। मैं एक और डमी बना रहा हूँ और इस डमी में केज लगा के आर इसको मैं चेक करना चाहता हूँ कि एग्जैक्ट उस शेप में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। हो सकता है मैंने जो ब्लॉक किया वो गलत हो। मेरा ब्लॉकिंग गलत है, ये सही है। हाँ, अब इसको ना इसी को फिर कॉपी कर लेते हैं, ऐसा कुछ 90 डिग्री 60। अच्छा, इसमें रोटेशन भी है क्या वो प्रसिक? हवा ज़्यादा तेज़ लग रही क्या? कम कर लो ना, कम करो, कम कर लो अगर। तो इसलिए मैंने बढ़ा कर रखा था ना कि आप लोग आओ, मैं खुद भी आए तो उस समय गर्मी लगती है, चल वल के आते हैं ना, तो उस समय कुछ थोड़ा सा ठीक ठाक रहे। तो ये अभी ये जो मैंने ब्लॉकिंग किया ना, ये मेरे को लगता है सही है, आसपास हैं हम उसके। थोड़ा सा इसको निकाल देते हैं, ये एकदम परफेक्ट है ना। तो अब ये अगर मेरा सही है तो हमको करना क्या होगा, सबसे पहले इसको ट्रेस करना होगा। ट्रेस मतलब ये तो अगर हम इससे बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या होगी कि इसको मैं यहाँ से कैसे जोड़ूंगा, वो प्रॉब्लम होगा। तो उसके लिए या तो मैं इसको सेपरेट बना के यहाँ से जोड़ूँ, रूफ को इसके ओवरलैप कर दूँ, एक ये ऑप्शन है। और यहाँ पे अपने पास बुलियन का भी ऑप्शन है, उससे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं। तो बुलियन करने में दिक्कत ये होता है ना कि यहाँ तो ठीक रहेगा पर वो बाद में 3 प्रेस करेंगे तो उसका पूरा सब बिगड़ जाता है। तो अगर बुलियन आप करना चाहते हो, मतलब ये स्ट्रक्चर बनाया ना हमने, तो यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं ऐसा बुलियन। अभी देखो ये कट के निकल गया। अब ये हमने डमी बनाया है, सिर्फ बनाएंगे अब हम किससे, इसको लाइव करेंगे यहाँ। और यहाँ पे देखो मल्टी कट जो मैक्स में एक टूल किट जैसा होता है ना, यहाँ पे भी स्मूथ का है, कम्बाइंड का है, यहाँ पे है क्वाड्रो, ठीक है। इस क्वाड्रो से आप किसी भी ज्योमेट्री को ट्रेस कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे इसको क्या करना, अपने को क्लिक करना है जहाँ जहाँ पे आपको, जैसे यहाँ पे ज़्यादा फंसा हुआ लग रहा है मेरे को, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, बहुत बेसिक सा शेप क्रिएट करेंगे, ऐसे क्लिक करना है। अभी शिफ्ट होल्ड करके आप क्लिक करोगे तो ये पॉली क्रिएट होगा, यहाँ पे क्लिक किया पॉली क्रिएट हो गया। फिर इधर आना है, हाँ ये लाइव करके रखा है इसलिए स्नैप हो रहा। फिर यहाँ हो गया एकदम बहुत बेसिक बेसिक, क्योंकि बहुत हल्का सा डमी बनाया हमने। जब हमारे पास ये मैश आ जाएगा और इसके बाद जहाँ पे आपको लगे तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, जैसे ये पॉइंट लग रहा थोड़ा सा इधर उधर, ये सरफेस पे ही रहेगा, सरफेस से अलग नहीं होगा। हाँ, अब इधर आ जाओ, यहाँ ये डिस्टर्ब कर रहा अपने को अभी, तो ये इमेज यहाँ से ऑफ कर देते हैं। अब ये लास्ट वाला जो है जहाँ पे अपना कॉर्नर है, शेडिंग ऑन वायर फ्रेम ऑन करके रखेंगे तो पता चलेगा कि कहाँ पे चाहिए हमको एग्जैक्ट। अभी देखो ये एक ब्लॉक हो गया, एक ये ब्लॉक हो गया। फिर आ जाते हैं इधर, ये लास्ट में ये शिफ्ट, और एक पॉइंट यहाँ होना चाहिए, एक पॉइंट यहाँ, ये एकदम प्रॉपर अपना लूप वाला आ गया। अभी सेम इधर भी रिपीट करना है, तो इधर आ जाते हैं। सबसे पहले एक तो यहाँ पे आ जाएगा, एक पॉइंट यहाँ होना चाहिए, शिफ्ट होल्ड करो, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर, शिफ्ट होल्ड, और एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और सेंटर में एक रखना है यहाँ पे, और इधर ऊपर की तरफ एक यहाँ पे कॉर्नर पे, तो ये इसको कवर करेगा, ये इसको। अभी आ जाते हैं सबसे लास्ट में,
एकदम बॉटम पे एक पॉइंट लगाएंगे, इसके एकदम जस्ट नीचे एक लगा दो और एक यहाँ पे लग जाएगा। शिफ्ट होल्ड क्लिक करना है और एक यहाँ पे होना चाहिए, शिफ्ट होल्ड, ये भी हो गया। अब एक इधर, इसमें ट्रायंगल वगैरह का कुछ मैटर नहीं है तो आप ट्रायंगल वगैरह लगा सकते हो अभी, पर ये लेगा नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, इसके थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा ऐसा करके, सॉरी यहाँ पे ऐसे लगा दो, थोड़ा सा ऊपर लेके जाओ, जब उस जगह पे प्रॉपर आ जाए, इसमें से पॉइंट निकल गया ये, बाद में हम इसको अरेंज कर लेंगे। देखो अभी ये अभी यहाँ पे लगा दिया मैंने और ये अब यहाँ पे भी आ जाएगा, तो ये फिल हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। तो ये लाइन चाहिए थी, वो लाइन मिल गया हमको। अब इधर और इधर एक पॉइंट यहाँ होना चाहिए, इसको भी फिल कर देंगे। क्यों, अभी देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें, एज निकालना पड़ेगा मे भी। अब एक इधर और एक सेंटर में लगाना है और एक सीधे सीधे आ जाओ नीचे, तो यहाँ पे तो पॉइंट है ऑलरेडी। एक यहाँ पे लगा देते हैं, एक यहाँ पे, तो ये कट टू कट आ जाएगा, ये इसके वजह से हो रहा है, इस पे ना मर्ज नहीं हो रहा वो पॉइंट, देखो अलग है, इस वजह से प्रॉब्लम कर रहा है। इसको मैं थोड़ा सा मूव करके इधर रखता हूँ अभी के लिए फिलहाल। बाद में ये स्नैप हो जाएगा, इसको ऐसे रख लो, ये इधर आ गया। क्या हो गया बिना, क्या चेक कर रहे हो, एक टाइम पे एक ही काम अच्छा होता है। थोड़ी देर के लिए बंद रखा करो मोबाइल, फिर इसके बाद तो मोबाइल और तुम हो ही। अभी ये आसान बहुत लग रहा होगा देख के, अभी जब करोगे ना तब समझ में आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ। जब मेरे को दो अटैम्प्ट करना पड़ गया तो उस चीज़ को समझो थोड़ा सीरियस। तो इसको फिल कर देते हैं, ये भी फिल कर देते हैं, आ जाते हैं इधर ऊपर की तरफ। तो ऊपर भी ऐसा एक पॉइंट लगा देता हूँ मैं, और जैसा कि मैंने बोला ना थोड़ा चीटिंग करेंगे, अगर ये ऐसा नहीं ले रहा है ट्रायंगल ऊपर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ थोड़ा सा चीटिंग करना पड़ेगा। तो एक यहाँ पे रख दो, तो ये यहाँ से क्या होगा, स्क्वायर इसको कैलकुलेट कर लेगा, चलेगा ये, इस पर मर्ज हो जाएगा। एक यहाँ पे पॉइंट चाहिए, शिफ्ट होल्ड करो, किधर गया, हैंग हो गया क्या। इधर आ जाते हैं, पहले इस रूप को कंप्लीट कर देते हैं फटाक से यहाँ तक, एक और चाहिए बीच पे, यहाँ पे बीच में एक, हम अभी सही है। अब ये इधर से आके इधर की तरफ कहाँ पे पिक कर रहा है, ये इस पॉइंट को ले नहीं रहा, चलो ट्रायंगल ही लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं इधर कोशिश करता हूँ यहाँ पे स्नैप हो जाए, और फिर से इधर देखते हैं, ये वाला एरिया एक दो, इधर नीचे और एक इधर, इंटर प्रेस कर रहा हूँ मैं, अभी लाइव मोड से बाहर आते हैं, देखते हैं अभी क्या हो रहा है, कितना एरिया बचा हुआ है। तो ये मेरा जो डमी है ना, इस डमी को मैं क्या कर रहा हूँ, लेयर के अंदर डाल देता हूँ। अभी कुछ हमने इतना बनाया है, अभी प्रॉपर है, कुछ मर्ज करना है, कुछ इसको फिल भी कर सकते हैं हम, तो छोटा मोटा जो है वो यहाँ से हम कर सकते हैं, उतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक मैंने
पॉइंट लगा इधर, ये इसको मैं वी प्रेस करके स्नैप कर दो इस पर, इधर गया यहाँ, तो ये फिल होल हो जाएगा। यहाँ से मर्ज करना स्टार्ट करते हैं, मर्ज कर देंगे इसको, जी रिपीट कमांड जी, ये हो गया। इन सबको सेलेक्ट करके ना, जब मर्ज वर्टेक्स में जा रहा हो, थ्रेशोल्ड बढ़ाओगे तो सब कुछ मल्टीपल वर्टेक्स मर्ज करने के लिए है ये। यहाँ पे भी इसको पकड़ो, इन सबको पकड़ के जी इधर आ जाओ जी, और इसको पकड़ के हम W V प्रेस करके स्नैप कर देते हैं इस पर। बहुत अंदर की तरफ था क्या? खैर अभी वो, अभी टॉप से हम उसको मर्ज कर लेंगे प्रॉपर, बड़ा इश्यू नहीं है वो। अभी इसको मैं थोड़ा सा और, मेरे को लग रहा था खींच गया ये। तो यहाँ पे हमने जो इधर उधर किया था कि प्रॉपर ले नहीं रहा था, इस वजह से हमने थोड़ा सा इधर किया था इसको। अभी इन दोनों को पकड़ के मर्ज वर्टेक्स, इनको मर्ज, और इसको वी प्रेस करके फिर से स्नैप कर लेते हैं। W प्रेस करो वी, और इस जगह पे एकदम प्रॉपर जाके ये मर्ज हो जाएगा। एज ये नहीं चाहिए, हटा दो इसको। तो मेन जो मेरा ये था ना, ये आ गया हमारे पास। अभी ये सब आराम से कर लेंगे हम, इसको बंद करो अभी फिलहाल के लिए जी। जी प्रेस कर वो इधर। अब ये एज पकड़ना है हमको, यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट होल्ड एक्सट्रूड W, नीचे ले आओ R, एकदम स्ट्रेट हो जाएगा ये। ये हो गया, इस पर क्या करेंगे, फिल होल कर देंगे। फिल होल शिफ्ट होल्ड राइट क्लिक फिल होल, शिफ्ट होल्ड राइट क्लिक फिल होल। अब ये पॉइंट छूटा हुआ है तो स्प्लिट पॉलीगॉन टूल लेना है, इसमें एज लगा देंगे, और इसको भी कंटिन्यू कर लो ताकि बाद में अपने पास फ्रीडम भी रहे थोड़ा सा, जब 3 प्रेस करें तो ऐसा ना हो एकदम सब कुछ बिगड़ जाए। ये लूप प्रॉपर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। और एक अभी फ्रंट व्यू पे जाते हैं, थोड़ा सा लूप अपना सही कर लेते हैं। जैसे देखो ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, इधर दबा हुआ है। टॉप व्यू से देख लेते हैं, टॉप से ठीक ठाक है ये। आर आर प्रेस करते हैं, स्केल कर रहा है। तो पहले यहाँ से कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करके मैं देख रहा हूँ प्रॉपर आ जाए इसके सामने, तो नहीं आ रहा। तो डी होल्ड करके मैं इसको क्या करता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, जिससे क्या होगा, जब मैं सेलेक्ट करूँगा ये और इसको ऐसा अलाइन कर सकता हूँ। सेम इसको भी हम सीधा कर पाएंगे इसे, और इधर ऑलमोस्ट ठीक ठाक लग रहा है, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं लग रहा। और बॉटम का भी पकड़ के मैंने आर प्रेस करके बराबर कर दिया, और मशीन अभी हैंग हो गया। इसमें सब कुछ ठीक ठाक लगता है इस मशीन में, पर पता नहीं क्यों हैंग इतना होता है। कहीं कहीं पे देखो मर्ज नहीं है ना, तो पता चल रहा है अभी ना। चलो वन, यहाँ पे प्रॉब्लम है मर्ज वर्टेक्स, और कहाँ पे था कि यहाँ पे कहीं है जी। ये अभी सही हो गया, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे भी मर्ज कर देते हैं। एक ये बचा हुआ है, तो ये आपका एकदम प्रॉपर
इन सब को भी पकड़ के मर्ज कर दो। तो ये देखो इतना समय हमको लगा सिर्फ क्या करने में, वो जो प्लॉट हमने लिया था उस प्लॉट में कब्जा करने के लिए इतना समय लग गया। ठीक, मतलब ये ऑलमोस्ट अपना 50% समझ लो, जो लुक एंड फील का काम है वो हमने ब्लॉक कर लिया। अब आगे चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे ये वुडन का कुछ है ना, ये बेस में भी वुडन जैसा कुछ स्लैब डला हुआ है। तो ये ऑन करो और इसको आर प्रेस करके रखो ताकि दिखे ना, क्योंकि इससे मिला के ही हमको बनाना है। तो अगर मैं एक वुड बना लूँ तो ये सब रिपीट रहेगा, ठीक। एक ये स्लैब बना लें तो वो भी रिपीट रहेगा, और साथ में यहाँ पे देखो वुडन का कुछ लगा हुआ है, इधर भी वुडन है, तो यहाँ पे विंडो काटना रहेगा हमको, तो काटना पड़ेगा। तो ये एज हमारे लिए काम आएगा, और इस एज को थोड़ा सा और सही करना है। तो ये तो अपने जगह पे सही है, मैं भी इसी को पकड़ के थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। डब्लू इसके ऊपर छत आने वाला है तो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, वो सब ओवरलैप हो जाएगा, पर कोशिश ये रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको मैच कर लें। तो एक वुडन बनाएंगे, उसी कॉपी कॉपी करेंगे, यहाँ पे इसको अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा इधर साइड में अब गैराज टाइप का काम चालू होगा, यहाँ पे बनाएंगे वहाँ अरेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट अब यहाँ से ध्यान देना है कि अब पॉलीगॉन्स इसमें ज़्यादा ना हो, क्योंकि बहुत रिपीट होने वाला है, चारों तरफ ये बाउंड्री भी बना हुआ है इसका, तो पॉलीगॉन्स लिमिटेड लगाएंगे ताकि ऐसा ना हो कि लास्ट में बहुत काउंट बढ़ जाए, रिपोर्ट ना ही ले हमारा। ये कहाँ है, इधर है, थोड़ा सा स्केल करेंगे और इसको लेके आओ उस जगह पे जहाँ हमको चाहिए। तो एक बार ये देख के समझ में आ रहा ना कि सामने के गेट से ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो इसको अरेंज कर दे रहा हूँ। अरेंज करके ऐसा रखेंगे, आर थोड़ा सा छोटा करते हैं, डब्लू यहाँ पे कहीं, और यहाँ ऊपर थोड़ा सा जूम करते हैं कैमरा ताकि पता चले कहाँ पे है वो एग्जैक्ट। थोड़ा सा थिक डब्लू आर, ऑब्जेक्ट बेस कर लेते हैं कर्सर। तो ये देख रहा हूँ मैं, ये जो उसका है ना एरिया वो, और ये बैक साइड का, अभी ये भी मेरे को अभी सही नहीं लग रहा, थोड़ा सा करेक्शन करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे इमेज में तो सही दिख रहा है पर एक्चुअल में है कहाँ, ये यहाँ कहीं है, ठीक है, यहाँ आमने सामने कहीं पे है। तो ये ठीक हो गया, अब थोड़ा सा और इसको बढ़ा लेते हैं ऐसे, अब ये इस जगह पे फिक्स है। फिर भी अगर ऐसा देखें तो ये चलेगा, थोड़ा सा तो है ज़्यादा, पर हमारा जो रिफरेंस है उस पर एकदम फिट बैठ रहा। तो इतना तीन चार अगर ऐसा काउंट करें ना, तो 1 2 3 4 5, 5 या 6 के आसपास है ये। तो सबसे पहले इसको प्रॉपर बनाते हैं कि होना कैसा चाहिए। तो अभी मैं एज, दो तरीके हैं, या तो फिर आप यहाँ पे एज डाल दो या तो इसको बेवल कर लो एज को। तो मैं बेवल कर रहा हूँ, सारे एज को पकड़ो, ये बेवल, अभी बेवल में ये फ्रिक्शन थोड़ा सा कम करके रखते हैं इस तरीके से, तो बहुत लो पॉली में थोड़ा सा वो लुक एंड फील आपको मिल जाएगा। हाँ, अगर आपको लगे कि नहीं ऐसा नहीं करना, बहुत एकदम शार्प लाइन चाहिए, जैसे वुडन है तो ये अभी 3B प्रेस करोगे ना तो मे भी ठीक ठाक लगेगा, और अगर आपको फिर भी लगे कि नहीं और होल्ड देना है, जैसे यहाँ पे लग रहा है मेरे को होल्ड चाहिए, ये एरिया सही है, तो यहाँ पे आप इंडिविजुअल होल्ड डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे एक होल्ड डाल दो इतना, और एक ये, इससे क्या होगा वो उसको पकड़ के उधर साइड में रखेगा, वो खींच के नहीं आएगा, तो आपको ये वुडन वाला फील प्रॉपर मिल जाएगा। फिर बाकी सब टेक्सचरिंग का काम है। तो ये एक हमने बना लिया, अब इसको अरेंज करना है।
तो फिर से हम लेआउट वाले इस पे जाते हैं। अभी अभी देखो एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ नीचे की तरफ वर्टिकली है और उस पर एक हॉरिजॉन्टल है, मतलब एच शेप में अगर देखें इसको, शेप से रिलेट करें तो एच जैसा यहाँ एच बना है वैसे एच यहाँ पे भी है। तो इसको कॉपी करते हैं, पहले ये अरेंज कर लेते हैं कितना काउंट किया था हमने, 2 3 4 5 6 के अराउंड है। तो हाँ 6 इसको इधर, और ये बहुत रेंडम है, रेंडम मतलब कुछ आगे पीछे है ना, कुछ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है क्योंकि वुडन है तो कुछ एकदम एग्जैक्ट तो नहीं होगा। तो थोड़ा थोड़ा इसको हम ऐसा भी कर सकते हो आप कि ऐसा वर्टेक्स पकड़ के भी इसको थोड़ा इधर उधर कर दो ताकि वो नेचुरल लगे। ठीक, जैसे ये थोड़ा सा कर दिया मैंने, बहुत ज़्यादा ही मत कर देना अननेचुरल लगे, कभी कभी हम जज्बाती हो जाते हैं, मैं अक्सर हो जाता हूँ। तो इसको फिर से कॉपी करेंगे, कंट्रोल डी 1 प्रेस करके रखते हैं ताकि अपना व्यू पोर्ट लाइट रहे। इसको कॉपी कर लिया है, अब इधर लेके चलते हैं इधर, तो यहाँ पे थोड़ा इसको मोटा भी कर देते हैं। देखो यहाँ पे इसका जो प्लेसमेंट है इस पे लगा दिया ये है, और ये थोड़ा सा इधर निकला भी हुआ है। तो अब प्रॉब्लम क्या है, बीच में इतना गैप जैसा दिख रहा, तो मैं थोड़ा सा इस तरीके से उसको एडजस्ट करना चाहता हूँ ताकि ऐसा ना लगे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप है कुछ ऐसे। और इसको भी थोड़ा सा रोटेट करके पीछे रोटेट कर लो, इससे ये होगा कि उस पर एकदम प्रॉपर नहीं दिखेगा पर आपको ये वेरिएशन दिखेगा इसमें। कंट्रोल डी डब्लू, बहुत ज़्यादा ठंड हो गया ना रूम। एक बार बंद करके चालू करो वहाँ से बटन, फिर उसके बाद आएगा वो। चलो एक और मैं एक्स्ट्रा लगा दे रहा हूँ क्योंकि लग रहा शायद ज़रूरत पड़ेगी। कंट्रोल डी डब्लू, अभी इसको 90 डिग्री रोटेट करना है हमको, तो देखो कौन सा रोटेशन है। यहाँ पे बहुत सारे रोटेशन दिखाई दे रहे हैं, पहले इसको छोटा कर लेते हैं आर, अब रोटेट करेंगे। पहले इसको ऑब्जेक्ट बेस कर देते हैं, एक्स है शायद, तो ये -90 डिग्री, वो अरेंज करेंगे। अभी पहले बेसिक एक के जहाँ जहाँ पोजीशन है ना, इसमें और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। अभी आपको एकदम बहुत नेचुरल चाहिए तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सीधे जहाँ जहाँ पे है वहाँ वहाँ पे उसको ट्राई कर रहा हूँ कि प्लेस कर लूँ, फिर टेढ़ा मेढ़ा वो सब करते रहेंगे। अभी देखो इसमें एक चीज़ बहुत मेजर मिसिंग है कि इसके नीचे का जो बेस है ना वो दिखाई नहीं दे रहा। तो अगर लॉजिक लगाओगे तो आप ये इसको होल्ड करके रखे हुए, एक बीच में इतना गैप है, फिर ये दूसरे को होल्ड किया हुआ है, फिर इधर कुछ है ही नहीं, नीचे का स्लैब भी नहीं है, तो अगर टेक्निकली देखें तो वो रॉन्ग है ना। तो हमको एक स्लैब डालना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा और आर प्रेस करके अभी इसको रोटेट। इस घर में कोई रहता नहीं है ना, इस वजह से थोड़ा सा इसका मेंटेनेंस सही नहीं है, सब उजड़ा उजड़ा टाइप का रहने वाला घर नहीं है, दिया बत्ती नहीं जल रहा इधर। अब देखो अब यहाँ पे इसको प्लेस करेंगे तो इसका प्लेसमेंट इधर उधर हो रहा है। चलो देखते हैं, एक बेस लगाएंगे हम, और ऐसा मैंने स्टार्टिंग में ही बोला ना कि ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप यही करो, बस उसका जो मेन टेस्ट है ना वो बिगड़ना नहीं चाहिए। आप फ्री हो, आप जो भी, अगर आपको लगे यहाँ पैसा नहीं लगा कि
सिलेंडर जैसा कुछ वुडन का लगाना है वो भी लगा सकते हो आप। अगर आपको लगे कि हाँ रेलिंग ऐड कर दे तो और अच्छा लगेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं इसको कंटिन्यू करके यहाँ पे डाउन कर दें, मतलब यहाँ से लेके आए ऐसा स्टेयर बना के इस पे सरफेस पे अटैच कर दें, तो वो भी कर सकते हो आप। आप अपना क्रिएटिविटी मतलब लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि बस जो है उसी को बनाना है, जो है मतलब उसका फील नहीं जाना चाहिए। एक बार लास्ट में अपने को ना फिर से ये मैश जो हमने नीचे बनाया ना उसके साथ बदतमीजी करना पड़ेगा, तब जाके वो सेट होगा। इसको ले जाओ इधर, अभी रोटेशन जो था हमने डाला था ये ना, और एक रोटेशन ये, यहीं से रोटेट कर लेते हैं इसको। W प्रेस करके यहाँ पे रखो, E R चलो अब उसका भाई एक है यहाँ, इसी को निकालेंगे। पीछे की तरफ लगा हुआ तो इसको इधर ही रख लेते हैं। अब इसको इधर कहीं प्यार, आप देखो अब ये उधर जाएगा तो इसका बेस एकदम निकल गया, गिर जाएगा ये। तो इससे पहले ये गिर जाए कंट्रोल डी करो, इसको रोटेट करो ऐसे, और एक बेस तो लगा ही देते हैं। आर प्रेस करके छोटा कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, इस तरीके से स्क्वायर जैसा कुछ हो जाए, और इस पे इसको ऐसे अटैच कर दो। इस तरीके से इसको प्लेस कर देना है ताकि लगे कि इस पे काम चल रहा है, पीछे नीचे कुछ सपोर्ट है नहीं तो वो अजीब सा लगेगा। कंट्रोल डी सेम, ये एक्स्ट्रा हमने एडिशनल कुछ डाला है। क्या हो गया प्रसिक? हाँ, कंस्ट्रक्शन वाला इंजीनियर वाला फील आएगा अभी। पर ये हमारा एक्यूरेट नहीं रहता ना, ये देखो ये जो मैं बता रहा हूँ ना ये सिनेमैटिक वाला काम है, मतलब ये सब मूवी लाइन का काम है, आर्किटेक्चर लाइन नहीं। आर्किटेक्चर में क्या होता है ना, बहुत कट टू कट काम होता है, 4 इंच 5 इंच तो 10 फीट का वॉल रहेगा तो इतना पोर्च रहेगा, तो वैसा कुछ नहीं है। ये इस तरीके का काम क्या होता है ना, आपको फ्रीडम रहता है। वो लोग हाँ वो लोग आपको एक रेफरेंस देते हैं कि ये रेफरेंस है इस तरीके का बनाना है, उसमें आप थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हो, आपको लगे तो ये सजेशन दे सकते हो, मगर वो जो मेन उनका है। अब ऐसा ना हो कि जो अब उसने बताया कि भाई ये बनाना ही है, अब कुछ दूसरा ही बना के दे दो, तो वो नहीं। तो जिस इसके लिए हमने क्या किया, मेन मेन ब्लॉक कर लिया, थोड़ा बहुत एडिशनल जैसे मैंने ये लगा मेरे को कि ये होना चाहिए, फिर मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर मैं कुछ और अच्छा करना चाहता तो मैं इसको ऐसा घुमा के ला के यहाँ पे उतार सकता हूँ। ठीक, ये भी एक तरीका है। अभी आते हैं हम इस पे, एक बाउंड्री यहाँ है एक बाउंड्री यहाँ है, तो वो उधर अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं आता हूँ यहाँ पे। ये जो बीम जैसा है ना आप देख रहे हो ना, वुडन का बहुत सॉलिड है ये, इसको बनाते हैं। तो इसको एक तो ये है कि हम ये जो छोटा छोटा डिटेल भी डाल सकते हैं, पर उसमें क्या होगा ना, डिटेल तो डालेंगे हम पर कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि वो टेक्सचर में बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है और उतना पॉली खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो टॉप व्यू पे चलते हैं, यहाँ पे एक बॉक्स है, 4 प्रेस करके रखता हूँ मैं। जियो वालों का मैसेज अभी 5 दिन बचा रहता है ना तभी बताने लगते हैं, ख़त्म हो रहा हूँ मैं, ख़त्म हो रहा हूँ। इसको कंट्रोल होल्ड करके रोटेट कर लेते हैं एकदम प्रॉपर, इस कॉर्नर को यहाँ पे रखो, ठीक है, जो उसका पाइवट है 5।
दिया, इसको एकदम नीचे ही डाल देते हैं ताकि बाद में झंझट ना रहे, ऐसा इसको अंदर रहने दो एकदम। एक और होल्ड मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ये नीचे की तरफ, ताकि जब 3B प्रेस करेंगे तो ऐसा ना हो कि ऊपर की तरफ वो आ जाए। तो ये हो गया हमारा, इसका साइज़ एक बार चेक कर लेते हैं, जो हमने बनाया उसका साइज़ सही है क्या, ठीक लग रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है। वैसे थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं हल्का सा, अभी सही है। अब ये ऊपर का जो है इसको नीचे, ये रूप तक ही रहेगा। अब कहाँ कहाँ पे है बस उसको अरेंज करना है। देखो एक यहाँ पे है, एक इधर है, एक इधर वर्टिकली है, इधर का तो दूसरा है, इसका ये रहेगा दूसरे वाले के लिए, दूसरा बनाना पड़ेगा। कंट्रोल डी, इसको ले जाओ इधर कॉर्नर पे एकदम, इस वॉल से अटैच रहेगा। अब इसका देखो ये, अब इसका पोजीशन डिस्टर्ब हो रहा, पर वहाँ पे आपको देख के समझ में आ रहा है ना कि कैसा है, तो उसी हिसाब से अरेंज करना है इसको। 4 प्रेस करो तो जितना यहाँ पे निकला हुआ है बाहर की तरफ उतना यहाँ पे भी निकला होना चाहिए, मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ होना चाहिए 50% ना, इस वॉल से निकला हुआ है इधर की तरफ बाहर की तरफ। 5 कौन सी ये, अगर हम इसको डिस्टर्ब करेंगे तो, या तो फिर पूरा सब शिफ्ट होगा अगर, तो वैसे ही हम इसके मर्यादा के बहुत बाहर जा चुके हैं, तो अगर पूरे को शिफ्ट करते हैं तो फिर और दिक्कत हो जाएगा। ये वाला एरिया नहीं, नहीं बात ये नहीं है कि जो देखेगा ना अपना मॉडल तो वो ऐसा तो देखेगा, 3D है तो देखने में भी ऐसा ना लगना चाहिए ना। अगर लॉजिक वाइज बात करें तो ये सेम, मतलब सेम ही होगा। अगर 50% यहाँ से डिवाइड कर रहे हैं हम, तो जो इधर है वही उधर होना चाहिए, ठीक। तो जैसा मैंने बताया ना कि इस इमेज में थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन रहेगा, जिसके वजह से वो बैठ नहीं रहा, पर ऑलमोस्ट आस पास हैं हम लोग, जैसा वहाँ पर सेफ है वैसे ही है। अब ये सेफ, ये जो हमारा जो हमने ये रखा हुआ है ये इस पर मैच नहीं हो रहा ना ये वाला, तो इसका एग्जैक्ट पोजीशन इसके हिसाब से यहाँ होना चाहिए। अब वहाँ पे जब लेके जाएंगे तो हमारा ये पूरा वॉल शिफ्ट होगा, तो इस वॉल को अगर शिफ्ट करेंगे देखते हैं, चलो इसको स्केल करके एक बार ट्राई कर लेते हैं, अगर आ जाएगा तो बेस्ट, नहीं आएगा तो फिर टॉप व्यू पे चलते हैं। इसको अभी मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ। अब ये पकड़ लेते हैं वर्टेक्स, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये, और इसको भी वर्ल्ड ऑब्जेक्ट डी होल्ड करेंगे और इसका पाइवट इस तरीके से सेट करेंगे, मतलब जो है कुछ इस तरीके से होना चाहिए। अभी थोड़ा सा ये शिफ्ट हुआ है, जितना हमने उसको किया है इसको भी खींचते हैं, टॉप से ही देख रहा हूँ मैं, इतना कर सकते हैं है ना। अभी ठीक है, ये सेंटर है ना हमारा, तो ये आसपास ही है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा, देखते हैं इसको भी थोड़ा सा मूव करके। अब अपना क्या होगा डिस्टर्ब, ये तो सही जगह पे आ गया, अब होगा दूसरा वाला, ये अपना जो इधर है ना, अब इसको मूव करेंगे तो ये यहाँ पे चला आएगा, आगे से भी निकालते हैं, इधर से भी थोड़ा सा, ये ठीक लग रहा अभी है ना, आसपास ही है, थोड़ा सा हमने ज़बरदस्ती का काम किया है पर चलेगा। अभी हमको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, ये वाला जो एरिया है ना इस पर, तो इसको पकड़ लेते हैं ऐसा, और यहाँ से आप देखो प्रॉपर ये एकदम सीधा हो जाए,
चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट ये इस कॉर्नर पे भी यही जाने वाला है, तो कंट्रोल टॉप भी उसे फटाफट कॉपी कर देते हैं, फोर प्रेस करके रखो ताकि दिखे। कंट्रोल डी इसको इधर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं थोड़ा सा और बाहर बस, और इधर भी होना चाहिए, तो यहाँ पे भी मैं इसको रख देता हूँ। अब होगा कि नहीं होगा पता नहीं हूँ बैक साइड का। तो ये हो गया, ये फोर हो गया हमारा। अब ये इसी को क्या करते हैं, कॉपी कर कर के लगाते हैं यहाँ पे, तो इसको कंट्रोल डी कर लेते हैं फिर से, और ई प्रेस करके रोटेट करते हैं ऐसे 90 डिग्री। ये रहा 90, जेड में रोटेशन 90 डिग्री। मॉडलिंग करते समय ना जो मॉडल बनाता है ना उसका दिमाग तो यहाँ फंसा हुआ रहता है, पर देखने वालों को नींद आती है। तो आप लोग फ्री हैं थोड़ा बहुत डिस्कस भी कर सकते हैं ठीक, मगर इधर मॉनिटर के साथ, ऐसा नहीं दूसरा टॉपिक डिस्कस नहीं करना है फिर गलत हो जाएगा वो। और सुबह का समय है तो बहुत नींद आती है। सही, सुबह अब देखो ये अपने मर्यादा के बाहर वाली बात है, इसलिए मैं कुछ इसमें बोल नहीं सकता प्रशासन प्रशासन का जो अनुशासन है उसको मैं फॉलो करता हूँ। हाँ उसमें हम क्या बोल सकते हैं भाई, अब मैं आपको कुछ बोलूँ उसका कोई मतलब भी नहीं है, तो मेरे बोलने का भी कोई मतलब नहीं है अभी तो ठीक है, अब 6 से 8 का भी कोई वो नहीं रहेगा, पर अब धीरे धीरे जब ठंडी पड़ने लगेगी तब थोड़ा सा दिक्कत। फिर से कंट्रोल डी करके ना अभी मैं इस पे अरेंज करने जा रहा हूँ, तो इसको भी टॉप। वो शेडिंग से रहता है ना, इसमें नॉइस वाइस सब बहुत सारे इसमें मैप्स हैं, जब अपन टेक्सचर में जाएंगे ना तो ऐसा नहीं है कि आप इसमें ऐसा भी नहीं बना सकते हो, इतने सारे मैप हैं कि आप उसको उस तरीके से भी बना सकते हो शेडिंग से ही। तो बस शेडर का दिक्कत ये होता है वो हैवी होता है, बनाना एक आसान काम है, रेंडर निकालना थोड़ा टफ वाला काम है। आपने जो भी बनाया अगर उसका आप प्रॉपर रेंडर नहीं निकाल पा रहे हो तो मतलब वो सब वेस्ट है ना, मतलब वो कोई मतलब का नहीं हो, सब फालतू है। तो इसलिए टेक्सचर को ज़्यादा प्रिफर किया जाता है ताकि वो जल्दी से रेंडर मिल जाए हमारे हाथ में, जल्दी से रेंडर आ जाए, उसका आउटपुट आ जाए हमारे पास। तो ये एक और ऊपर की तरफ दो है, कंट्रोल डी। देखो धीरे धीरे मजाक मजाक में हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, अब इसके बाद अब सीरियस वाला काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो डिटेलिंग है ना इसमें, तो इसका मैं एक बार मॉडल बनाया था बहुत पहले क्लास में ही बनाया था, उसका 3D प्रिंट भी बनाया हूँ मैं, इस बीजी का 3D में प्रिंट भी किया था। अभी ये कुछ भी बनाओ माया में ले जाओ उधर, एकदम कड़कड़ा के प्रिंट करके निकाल फेंक देता वो। प्रिंटर 3D आर्टिस्ट के पास प्रिंटर नहीं है का मतलब, खाना नहीं खाएंगे एक टाइम चलेगा EMI पे लिया हूँ, पता है 1 साल की EMI पे है वो पर पता है बहुत मतलब वो ऐसा है ना कि उसका अगर आप मॉडलर हो ना तो उसका वैल्यू आप समझ पाओगे कि क्या है वो, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब वो इतना खतरनाक प्रिंट करता है ना, अगर ये ऐसा बना के दिए ना, इसमें इतना अगर गैप है ना, अगर मतलब मान लो MM के अंदर का भी गैप है, उस गैप को मेंटेन करता है वो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक सर्कल लेता हूँ, सर्कल को एकदम बीच में ऐसा स्केल करके एक उसके ऊपर एक और सर्कल रख देता हूँ, ऐसे ही प्रिंट करेगा उसके अंदर वो सर्कल रहेगा, मूवेबल रहेगा पूरा,
ऐसा नहीं है कि जाम हो जाएगा, जैसा है रियल में वैसा ही प्रिंट करता है, अब बहुत बारीकी से प्रिंट करता है। हाँ फिलामेंट, अगर अच्छा फिलामेंट लोगे तो वो 8-8 10-10 हज़ार तक का है। मैं तो अभी सस्ता वाला ही लेता हूँ, 2000 वाला प्रिंटर सस्ता है, वो प्रिंटर बहुत बेसिक लेवल का है, शायद 25-25 हज़ार का है। अब इतना मजदूर इतना कमाता है यार महीने का, उससे ज़्यादा ही कमा लेता होगा ना, 600-700 से नीचे कोई आप पास आना ही नहीं चाहता, काम कोई भी हो तो इतना तो रहेगा। मगर वो मेरा भी R&D लेवल का है, अब इसके बाद जो लेने वाला हूँ वो लूँगा जो प्रोफेशनल लेवल का काम करेंगे हम उस पर। तो आते हैं इधर फिर अपने टॉपिक पे, तो ये हो गया इधर। अब यहाँ पे ना ज़्यादा डिटेल है, देखो यहाँ पे जो, हाँ यहाँ पे सबसे पहले तो ये मिट्टी वाला जैसा फील आ रहा है आपको, है ना, मिट्टी वाला फील आ रहा, साथ में ये जो मिट्टी जैसा कुछ ऐसा मेरे को लग रहा है बना हुआ है, ये वुडेन का है ये, और ये सेम है यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, ये वुडेन यहाँ से गया इधर, ये भी स्क्वायर जैसा, ये इसमें दोनों में हुक हुआ है, और एक पीछे से एक सपोर्ट है, एक ये सपोर्ट है, ये साइड में ये नीचे की तरफ निकला हुआ है। तो सब सबसे मेन क्या करना है हमको, पहले यहाँ डोर कट करना है, यहाँ पे डोर होना चाहिए। तो डोर कैसे कट करेंगे, एज भी लगा के कर सकते हो आप, यहाँ से एज लगा दो, यहाँ से इसको खींच दो इधर, इसको खींच दो इधर, हाँ, या तो इसको हम फेस को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रूड कर सकते हैं, आर पकड़ के ऐसा, ये आ गया, और पहले तो इसको हटा दो और ये वर्टेक्स पकड़ के नीचे की तरफ डाउन कर दो ऐसा। अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो डोर क्या है, ऐसा कटा हुआ, इसके ऊपर इस तरीके का कुछ आर्क बना हुआ है। पहले तो इसका पोजीशन सेट करेंगे कि कितना एरिया वो लेना चाहिए, फिर से मशीन, एज यहाँ पे कहीं कटेगा ये, और ये तो सही जगह पे है, और इसको लेके आते हैं, आर प्रेस कर लेते हैं, इसको आर, इसको स्ट्रेट कर लो, इसको नीचे करो यहाँ तक, और ये नहीं होना चाहिए, इसको हटा दिया मैंने। अब ये विंडो लगा, ये मतलब डोर लगा हुआ है, तो काट तो दिया हमने वो एरिया, उसके ऊपर सेट करना है, तो इसके अंदर एक सर डेप्थ होना चाहिए, ताकि लगे कि इसका वृत्त, मतलब वो वॉल का वृत्त दिखेगा, थिकनेस उसका कि कितना मोटा है वॉल। अभी इसको कॉपी करो, Ctrl D W। एक चीज़ देखो, बहुत मिस्टेक करते जा रहे हैं हम लोग, जैसे हमने इसको बेवल किया था ना वैसे इसको बेवल कर लेना था, क्योंकि अब सबको फिर बार पकड़ 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 के करना पड़ेगा। चलो अभी भी देर नहीं हुई है, तो इसको मैं हटाता हूँ, ये सारा कंबाइंड करके कर सकते हैं, पर वो कंबाइंड नहीं करना चाहता हूँ मैं भी, क्योंकि कंबाइंड कर देंगे तो फिर थोड़ा बहुत मैनेज करने में थोड़ा दिक्कत रहेगा। तो एज मोड पे जाओ, बेवल, अब यहाँ से बेवल का जो भी आपने ये सेट किया हुआ है ना, 0.113 कर देते हैं इसको, ये सबको सेम देना है हमको, इसके एज में भी नहीं, वो तो बेवल ले लेगा, पर जो आप ये जो डिजिट डाल रहे हो ना, इसका नहीं लेगा वो, कल वो रजत पिछले क्लास में वो एक कोई बच्चा था ना, वो पूछ रहा था शेडो का लास्ट, हाँ नहीं, पीछे कौन से,
हाँ, करण आया है वो, आएगा, भेजना यार उसका। कल दिन जल्दी जल्दी में था ना, वो ट्रेन पकड़ने के चक्कर में कुछ सोचता नहीं है मेरे को। कहाँ से आता है वो? नाला सुपारा से आता है। पॉइंट 130 सीट, 0.130। वो तो अपन कर देंगे, उसका दिक्कत नहीं है। वैसे मैक्स की लाइटिंग वीरे पे कर रहे हो, किस पे कर रहे हो आप लोग? अरे तो उसमें का अर्नोल्ड में तो अपन, अर्नोल्ड देखो, ये माया का अर्नोल्ड हो या फिर मैक्स का हो, सेम फंडा है। हाँ बस टूल्स, उसका जो टूल्स है थोड़ा इधर उधर है। सही, एक ही लाइट में सब लाइट दिया उसमें, ठीक है। एंटीलाइजिंग सेम काम करेगा, सैंपल सेम काम करेगा, उसका डोम अलग है, मतलब डोम सेम दोनों का ही है। फिर उसके बाद अगर आप मैन्युअली कुछ लगा रहे हो तो वहाँ पे लाइट का ऑप्शन है ही है। तो ये अर्नोल्ड का जो है ना, एच डी आर आई जो, मतलब वो जो एफ जी जी आई है ना, फाइनल गैदरिंग और ग्लोबल एनिमेशन, वो बहुत स्ट्रांग है। वो अपने रियल वर्ल्ड से एकदम बहुत रिलेट करता हुआ है, तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ हमको करने की ज़रूरत नहीं रहती है। बस ये है कि आप उस लाइट का प्लेसमेंट अगर सही से किए हो तो ऑटोमेटिक वो ऐसा फील दे देगा, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। अगर प्लेसमेंट गलत है तब फिर दिक्कत होगा। अरे बहुत घिसना पड़ता है वो, लाइटिंग का डिपार्टमेंट ऐसा है ना कि वहाँ पे आप तुक्का नहीं मार सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आउटपुट दिख रहा है ना, उसके बाद कुछ नहीं है। मतलब वहाँ पे जो आपका रेफरेंस है उस रेफरेंस से कट टू कट मैच हो जाना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं आगे का काम कॉम्प में होगा। टेक्सचरिंग वाला बोल सकता है लाइट में इनहेंस हो जाएगा, मॉडलिंग वाला बोल सकता है यहाँ होगा, लाइट वाला संभाल लेगा, लाइटिंग वाला कुछ नहीं बोल सकता। लाइटिंग वाला तो मतलब वो लास्ट एंड है, वहाँ से 3D 2D में कन्वर्ट हो रहा है, आउटपुट एकदम वहाँ सेट हो जाएगा। उसके बाद आप बोल ही नहीं सकते कि बाद में ये होने वाला है, वहाँ जो होना हो गया। इसलिए थोड़ा सा वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन रहता है कि नहीं, जो भी है एकदम उसको फाइनल करो। अच्छा मंडे तक फाइनल करने को बोला ना? हाँ उस दिन तो था मैंने, हाँ टेक्सचर के साथ देखने को बोला है अबीर सर ने ना, बोले कि उसके बाद। अभी देखो यहाँ पे ना, यहाँ स्लोप है, तो ये इतना गैप रखता हूँ मैं, इसी पे स्लोप बनाने वाले हैं हम। और इसके लिए अब एज चाहिए हमको, यहाँ जब तक एज आएगा नहीं तब तक वो चीज़ मिलेगी नहीं। अब क्या क्या ऑप्शन हो सकता है, जैसे देखो, एक तो मैं मल्टी कट से ऐसा एज लगा के इसको निकाल लूँ, दूसरा ये जो है ये डिस्टर्ब कर रहा है, तो सबसे पहले तो मैं इस एज को हटा देता हूँ, पॉइंट्स वहीं पे रहेंगे। अभी एज मैं डिलीट कर रहा हूँ, लूप नहीं कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि हम यहाँ पे एक पूरा ऐसा एक एज लगा पाएंगे, वो इधर से उधर तक पूरा लग गया। आर ये स्ट्रेट कर लेते हैं, इसको भी स्ट्रेट कर लेते हैं ऐसे, थोड़ा बहुत इधर उधर रहेगा अब। तो वो जो एक एज मैंने जो अभी डिलीट किया है ना यहाँ से जो था, उसको मैं यहाँ से कनेक्ट करूँगा बाद में। तो ये हो गया हमारा, अब ये वाला एज पकड़ के यहाँ पे लाके सेट कर देंगे। ये यहाँ पे तापमान शरीर का नीचे चला जाएगा, बंद कर दो एसी तो कुछ देर के लिए। थोड़ा
थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। पर ये पता है स्टूडियो में जाओगे ना कंस्टेंट एक टेम्परेचर मेंटेन रहता है, आर्टिस्ट लोग के लिए नहीं है वो, मशीन लोग मशीन के लिए है, क्योंकि मशीन कभी बंद नहीं होता, रीस्टार्ट होता है वो, भी रीस्टार्ट भी नहीं होता क्योंकि सारे मशीन सिलेंडर पे लिए हुए होते हैं, तो रीस्टार्ट भी करना मना रहता है। आप काम करो, लॉग आउट करो, जाओ, जो आएगा वो लॉग इन करेगा, मशीन नहीं बंद होगा, चलते रहता, सब रेंटेड मशीन रहते हैं ज़्यादातर, वो एकदम बेरहमी से उसका इस्तेमाल करते हैं, सर दूसरे का सामान नहीं, ध्यान दो क्या करना है। तो ये हमने थोड़ा सा इसको इधर की तरफ भी खींच दिया, थोड़ा सा यहाँ पे भी है, इसको मेंटेन करना पड़ेगा। अब ये दोनों एरिया पकड़ के मैं इधर की तरफ थोड़ा सा दबा देता हूँ, ऑब्जेक्ट मोड ये रहना चाहिए कहाँ तक, ये आएगा यहाँ, और ये लेके चलते हैं उधर पीछे की तरफ, यहाँ से यहाँ तक। तो फाइनली अभी जितना हमने बनाया कुछ ऐसा बनाया है, ये हमारा रेफरेंस है, ये ग्रास वगैरह का कोई लोड नहीं है, टेंशन मत लो, वो इसमें वाइजर भी है, उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। अब खाली समय रहे ना तो इसमें बैठ के कुछ थोड़ा थोड़ा आरएनडी करना, आप लोगों में बता देता हूँ। यहाँ पे कंटेंट ब्राउज़र है, यहाँ पे बहुत बहुत कुछ बना हुआ रखा हुआ है, जैसे देखो यहाँ पे पेंट में जाओगे ना तो पेंट में आपको जैसे मान लो ग्रास चाहिए, तो यहाँ पे देखो ग्रास कहीं पे होगा, ये ग्रासेस हैं, तो ये बहुत, और कुछ ग्रासेस में एनिमेशन भी है, आपको कुछ करना नहीं, जैसे ये है। अब इसमें सिर्फ एक दिक्कत ये होता है कि ग्रिड पे ही लेता है, कंट्रोल जेड, हाँ बी बी से इसका ब्रश बड़ा छोटा होता है, जहाँ जहाँ पे ब्रश रहेगा तो बी होल्ड करके लेफ्ट क्लिक करके आप उसको बड़ा छोटा कर लेंगे, ये देखो एकदम। अब आपको अगर ये लगे, हाँ टेक्सचर की शेडिंग शेडर है इसमें, अगर आप चाहते हो टेक्सचर डालना तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो पेंट से इस पे कन्वर्ट कर देंगे, किस पे मतलब पॉली में कन्वर्ट करेंगे, जब पॉली में जब इस जैसे कन्वर्ट करोगे आप, तो इस पे आप अपने मन चाहे टेक्सचर को भी डाल सकते हो, साथ में जिस पे चाहो रेंडर कर सकते हो। अभी ये शायद उस पे रेंडर होगा, सॉफ्टवेयर पे होगा, अब बहुत ऐसे रेंडर होता है ये, सॉफ्टवेयर पे अगर आप करोगे तो बहुत फटाफट रेंडर होता है। तो जब भी समय मिले, मतलब हालांकि मिलता तो किसी को नहीं है, मगर समय निकाल निकाल के बैठ के एक बार इसको एक बार गो थ्रू कर लो कि देखो क्या हो रहा है इसमें, देखो इसमें एनिमेशन देखो एकदम, तो मक्खन वाला एनिमेशन भी है, डायनेमिक। अब इसका रेंडर टाइम अगर आप अलग लेयर पे निकालते हो सॉफ्टवेयर पे, तो बहुत कम रेंडर टाइम रहता है। सॉफ्टवेयर क्यों नहीं निकाला जा रहा पता है, ये माया में अर्नोल्ड आया चला गया, मतलब बहुत सारे इंजन आते जाते रहते हैं, मगर सॉफ्टवेयर को कभी ये लोग टच नहीं करते हैं, सॉफ्टवेयर जो रेंडर है इसका उसको टच नहीं करते। उसमें ऐसा है कि वो ऐसा जगह है जहाँ पे आप कुछ भी बना सकते हो, बहुत हाई पॉली बनाओगे बहुत जल्दी रेंडर होगा, पर उसमें क्या है ना मैन्युअली काम करना पड़ता है। अब जैसे फिजिकली जो वैल्यूज़ हैं अपने जो इन्वायरमेंट के, वो सब उनमें डालना पड़ता है हर एक चीज़ में, जबकि अर्नोल्ड में वीरे में ये सब बना हुआ है, प्रीसेट है, तो वो फिजिकली एक्यूरेट, आप उसको अप्लाई करोगे तुरंत उस तरीके का लुक एंड फील आ जाएगा, पर सॉफ्टवेयर में क्या है ना आपको मैन्युअली काम करना पड़ता है एक चीज़ पे, तो इसलिए उसको नहीं निकाला जाता है। और जितना भी है इसका ये लाइब्रेरी है, और मतलब ज़्यादातर सब सॉफ्टवेयर पे ही रेंडर होता है। ट्री वगैरह अगर चाहिए आपको, जैसे देखो इस तरीके का कुछ है फन के लिए, ये सारा कुछ मतलब फ्री है, ट्री भी रहेगा यहाँ पे, देखो कहीं ट्री होगा, ये ट्री है, इसको भी आप जो ट्री चाहिए बस, हाँ तो ले लो ना, इसका भी शायद एनिमेशन होगा, ये आपके सीन में ना मेरे को लगता है इस तरीके का कुछ है, ये तो देखो अब अभी ये देखो इसमें भी एनिमेशन है, आपको जो एनिमेशन चाहिए वो इसमें है। अब इसको बेक भी कर सकते हैं, देखो जैसे क्या होता है ना, इसमें आप इसको पकड़ो
और इसको बेक कर दो, यहाँ पे कहीं पे होगा बेक का ऑप्शन रहता है, कीज बेक सिमुलेशन। अब ये पका के तैयार कर देगा केक जैसे, फिर इसका डायनेमिक भी हट गया, तो इसका रेंडर टाइम जो थोड़ा बहुत इंक्रीज होने वाला था डायनेमिक की वजह से, क्योंकि बार बार जब रब करते हो ना टाइम लाइन, तो वो भी हट गया। अब ये बेक हो जाएगा, एक एक फ्रेम पे वो जो जो पोजीशन है वर्टेक्स का सब वो की लगा देगा, हो गया ख़त्म। तो ये यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे आप देखते रहोगे उसमें, जैसे पेंट इफेक्ट को ज़्यादा फोकस करो, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ग्रास हो गया, ट्री हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी बताया नहीं हूँ। जैसे एक तरफ से चेक करोगे आप, फ्लावर्स वगैरह है, और भी बहुत कुछ है, तो एक बार देख लो उसको कि क्या क्या है हमारे पास। तो कभी आप जैसा कभी कुछ सीन बनाना हो तो आपको ये पता रहे कि ये चीज़ इससे सॉल्व हो सकती है, इस पर अपने को ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। तो अब जैसे ये आपका जो बूस वाला था ना, ये है ना, इसको बस कन्वर्ट करके पॉली में ले जाओ, उधर रख दो बस ऐसे अरेंज करके, हो गया। थिकनेस देना हो तो थिकनेस भी, अब देखो ये सारा की आ गया। अब इसका कुछ भी मैं एक्सपोर्ट कर लो, FBX कर लो, OBJ करना, जो करना का कीज नहीं आ गया, FBX में आएगा। इसको ना यहाँ से देखो, मॉडिफाई में ना कन्वर्ट ऑप्शन होता है, तो पेंट इफेक्ट टू पॉलीगॉन अपने करना। देखो ये पेंट इफेक्ट टू पॉलीगॉन है ना, इसको जैसे ही कन्वर्ट करोगे अब ये पॉलीगॉन हो गया। अब इसको किसी भी सॉफ्टवेयर में लेके जा सकते हो आप, और इसका टेक्सचर 6 प्रेस करो एक बार, अगर नहीं रहेगा तो साइन करना पड़ेगा, है ऑलरेडी। अब इसका टेक्सचर ऐसा नहीं है कि यही फिक्स है, अभी इसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे जाओ, इसका ये मटेरियल है। अब इस मटेरियल में देखो दो कलर मिला हुआ है, ये एक ये है और एक नीचे का। तो अगर मैं ये ग्रीन के जगह में चाहता हूँ कि ये रेड हो जाए, तो ये रेड हो गया, समझ रहे हो, अभी नीचे का रेड दिखेगा। ये यहाँ पे देखो, ये प्रीव्यू देख रहा है ना, तो ये आप कस्टमाइज है पूरा, मतलब ऐसा नहीं है कि जो है तो बस वही है, उसको आप अपने हिसाब से जैसा आपको यूज़ करना है यूज़ करो। तो अगर आपको ये चाहिए रहेगा ना तो ये ले लो। देखो अभी इसमें पूरा एनिमेशन के साथ है ये, इसका अलग से अच्छा नहीं तो ऐसा अबीर सर ने तो बोला था ना कि किसी में करो कोई दिक्कत नहीं। नहीं अबीर सर बोल तो रहे थे पिछले मीटिंग में, आप नहीं थे पिछले, ठीक है चलो। तो इधर से ये एक्सपोर्ट कर लेंगे तो इसमें पूरा अपने को एनिमेशन वगैरह मिल जाएगा सब कुछ। ये और ये स्मूद है, हाँ बहुत स्मूद वहाँ पे है, मैं देखा वो। इसका प्ले ब्लास्ट निकालेंगे ना तो एग्जैक्ट पता चलेगा कि क्या एनिमेशन हो रहा है। देखो अभी पर वो दिख तो रहा ना एक्चुअल में, जो नेचुरल है तो वो है। नहीं तो उसका वो मैप डालो ना, मैप ही डाल के करेंगे ना। हाँ नहीं पता है, देखो मेरे से करेक्शन पूछते हो आप लोग ना, मैं जानबूझ के कुछ नहीं बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो मैं दूंगा, अभी मैं यहाँ ज्वाइन हुआ हूँ ठीक है, और वो लोग मेरे से बहुत सीनियर हैं, है ना। अगर मैं कहीं ऐसा दे दिया बाय मिस्टेक जिसमें उनको लगता है कि नहीं यहाँ ज़रूरत नहीं है, तो गलत हो जाएगा। जब बड़ा अपने से ऊपर है, जैसे घर का जो मुखिया होता है ना, तो सारे डिसीजन उन्हीं के होते हैं। छोटे लोग बाद में सजेशन दे सकते हैं, पर जो फर्स्ट रिव्यू होता है वो लोग करे तो बेस्ट है।
तो देखो ये हल्का फुल्का भी, इसका ऐसा नहीं है, इस पर कंट्रोल है अपना कि इसमें कितना स्मूथ भी चाहिए अगर आपको ऐसा। हाँ स्पीड भी कम कर सकते हैं, और ये टोटल आप उस वीडियो का भी स्पीड कम कर सकते हो। मतलब जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैंने इस लेयर का रेंडर निकाला, अब मेरे को लगता है बहुत फास्ट है, उसको स्लो कर दो, टाइम रिमैपिंग होता ना उससे स्लो कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप, अब इसका भी यूज़ आप इसमें कर सकते हो। देखो अगर इस ट्री को पकड़ के हम इधर लगा देंगे घर के पास, और जब रेंडर निकालेंगे तो हल्की हल्की हवा चलती हुई दिखेगी। हाँ वैसे ही इसका रेंडर ऐसे ही निकालेंगे अपन, टेंशन मत लो। देखो मैं जो भी बनवाऊंगा ना वो ऐसा रहेगा कि जो जितना मैं क्लास में बनवाते जा रहा हूँ आप उतना बनाते जाओगे अगर, तो आपको 100 रील के लिए बैठ के इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि अब बनाएंगे कि तब बनाएंगे, कुछ भी नहीं, सब उस समय तक एकदम रेडी रहेगा आपके हाथ में। अब देखो इसको मैं भी ग्रास को हटा रहा हूँ ना, अब देखो जैसे ही ये बन जाएगा तो इसका हम रेंडर कैसे निकालेंगे, इस तरीके से कैमरा रखेंगे ऐसा कुछ, और इसको इस तरीके से 3D में रेंडर निकालेंगे प्रॉपर रोटेशन के साथ, पीछे स्काई का वो लगेगा। अभी जैसे ही कंप्लीट होगा ये पूरा, जब कंप्लीट करूँगा तो वो लुक एंड फिट आपको दिखेगा भी, और वो सब कुछ प्रॉपर प्लेट लगा के करेंगे, पीछे स्काई ग्रास वगैरह जो है सब अरेंज करके, कैमरा एनिमेट करके एकदम साइड में रख दो, कि जब टेक्सचरिंग चालू होगा तो सीधे उस पर दूसरे के उस पर टेक्सचर करने कोई मतलब नहीं है, अपने ही फाइल पे टेक्सचर करेंगे उसको आगे, फिर लाइट वाइट करके वो एकदम, जब लाइटिंग ख़त्म होगा तब तक आपका पूरा एसेट रेडी रहेगा। अगर आपको मॉडलिंग में जाना है तो आपके पास पूरा रील तैयार है, कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी। हाँ जिसको नहीं जाना है तो उसके लिए एक एसेट तैयार है, भाई एनिमेशन करना है तो ये घर में ही एनिमेशन करो ना, यहाँ से करेक्टर को निकालो, घुमाओ, टहलाओ, चढ़ाओ, इस तरीके से यूनिक सोचना पड़ेगा। जो अभी जो कॉमन क्या होता है ना, जैसे मान लो एनिमेशन शो रील बनाना है, मैं एनिमेशन को शोरूम में अच्छा वॉक बनाया, रन बनाया, एक आध एक्शन बना लिया, फाइट बना लिया, अब मैं कुछ सोचो ऐसा बना रहा हूँ कि ये मैंने बना के रखा ही हुआ है, मेरा क्लास का वर्क है। अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से करेक्टर एक निकल रहा है, यहाँ बैठा है, पैर हिला रहा है, तनहाई में एकदम बैठा है, मौसम मून लाइट टाइप का कुछ कर दो, है ना, या फिर इधर से जा रहा है, इधर से कोई आ रहा है, मतलब कुछ सीन बनाने की बात कर रहा हूँ मैं, ना कि किसी एक्शन पे काम करने की बात कर रहा हूँ, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा ना। तो जब सामने वाला देखता है तो वो रैपिंग देखता है ना, कि कितने अच्छे से आपने अपने कंटेंट को दिखाया है ना, और वो आप ये बताओगे कि ये भी मेरा सब कुछ बनाया ही हुआ है, तो उसके दिमाग में और आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगा। देखो सामने वाले ने ये बैकग्राउंड भी क्रिएट किया है, वो ये नहीं जानता कि हम पहले बैकग्राउंड क्रिएट कर लिए थे, उसको तो ये लगेगा कि उसके दिमाग में ऐसा सीन आया तो उसने ये बैकग्राउंड बनाया, फिर उसमें करेक्टर के एनिमेशन किया, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रखो कि जो आप बना रहे हो उसको कितना अच्छे से हम यूटिलाइज करें।